रामगढ़ ताल थाना की पुलिस ने तीन छाते लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान नफीस पुत्र अनीश निवासी गेहुआ सागर थाना रामगढ़ ताल, माजिद पुत्र आशिक निवासी गेहुआ सागर थाना रामगढ़ ताल, रवि गौड़ पुत्र राम किशन गौड़ निवासी धर्मशाला बाजार जटेपुर दक्षिणी थाना गोरखनाथ के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक पीली धातु की चेन, एक मोबाइल, एक अवैध तमंचा, 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा, 3,000 रुपए नगद बरामद किया है। पुलिस लाइन के मेज सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लुटेरों की गिरफ्तारी से लूट की कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। ये शातिर किस्म के लुटेरे हैं, इनके ऊपर कई थानों में पहले से ही लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, छः 2021 को रात्रि के 11 बजे तीन लुटेरे और चोरों को गिरफ्तार किया गया है रामगढ़ थाना पुलिस के द्वारा। इनके नाम है नफीस, मजीद और रवि गौड़। ये नफीस और मजीद जो है ये लोग रामगढ़ ताल क्षेत्र के ही हैं और रवि गौड़ जो है जटेपुर दक्षिणी थाना गोरखनाथ क्षेत्र का है। इनके पास से हमें एक अदद पीली धातु की चेन, एक अदद सैमसंग मोबाइल, एक अदद नाजायज तमंचा, 1 किलो 100 ग्राम गांजा और 3,000 रुपया बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है। इन पर लूट के, चोरी के, आर्म्स एक्ट के और एनडीपीएस के भी मुकदमे पंजीकृत। सर, किन केसों का खुलासा कुछ हुआ इसमें? इसमें हमारे 2-3 केसों का खुलासा हुआ है। एक रामगढ़ ताल का के 2 केस हैं वो खुलासा हुआ है और उसके अतिरिक्त थाना कैंट की भी एक लूट है उसका भी खुलासा हुआ। नहीं, अभी इन इतने ही लोग पकड़े गए हैं और बाकी इन पे जो मुकदमे हैं, पहले भी चोरी का मुकदमा है 2020 का है, 2021 का एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा 264/21 है, एनडीपीएस का है 263/21। ये रामगढ़ ताल क्षेत्र के ही मेन में था। थाना कैंट का एक मुकदमा लूट का है जो इसमें वर्कआउट हो रहा है, 391/21।